चाहे स्टेट सिलेबस हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। कैसे हैं आप सब? जब भी वेकेशन स्टार्ट होता है उससे पहले मैं एक्टिविटी बुक्स ले लेती हूँ और अक्सर मैंने आपके साथ उन बुक्स को शेयर किया है, रिव्यू किया है, जो भी मैं अपने बच्चों के लिए लेती हूँ। बट इस साल मैंने एक्टिविटी बुक्स को डिच किया है, स्पेशली मेरे बेटे के लिए जिसका अभी ग्रेड 1 फिनिश हुआ है। वैसे भी साल भर ज़्यादा पढ़ाई हुई नहीं है, तो आई थॉट के ऐसे बुक्स लें जिसमें कुछ एक्सरसाइजेस हों जो भी उसने क्लास 1 में पढ़ी है, जिसको आप आसानी से रिवाइज कर सकें। और क्योंकि वर्कशीट्स एक्सरसाइजेस प्रेजेंट होंगी तो आपका भी टाइम सेव हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग ऑन गूगल वर्कशीट बनाओ या DIY वर्कशीट बनाओ, बहुत सारा टाइम लगता है ना, तो बुक्स बेहतर होंगी। डेली आपको बुक देना होगा, एक पेपर एक एक्सरसाइज बतानी होगी, फिनिश करवाना होगा। तो इस तरह से मैंने ग्रामर रिलेटेड एक बुक ली है, हिंदी एक ली है हिंदी के लिए, और कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड रीडिंग इम्प्रूवमेंट के लिए एक बुक ली है। तो सारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे ये वाली बुक, ट्यून इन टू ग्रामर। ये बहुत अच्छी एक बुक है पियर्सन से, फ्रॉम फॉर क्लास 1। इसी तरह से क्लास 2 क्लास 3 के लिए भी आती है, बट अभी हम देखेंगे क्लास 1 रिलेटेड ये वाली बुक। इसमें वो सारी टॉपिक है जो बच्चे क्लास 1 में ग्रामर में सीखते हैं, चाहे स्टेट सिलेबस हो, सेंट्रल सिलेबस हो या ICSE सिलेबस हो। क्लास 1 में बच्चे बेसिकली यही टॉपिक सीखते हैं, नाउन्स, सिंगुलर प्लूरल, प्रोनाउंस, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, आर्टिकल्स, देन इज एम आर, व्हेन टू यूज दिस एंड पोलाइट वर्ड्स या दिस इज दैट इज, प्रेपोजिशंस, राइट, देन एंड में कुछ कॉम्प्रिहेंशंस है। तो बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक्स को इसमें एक्सप्लेन किया गया है, साथ ही बहुत हेल्पफुल एक्टिविटीज़ है जो आप, यानी एक्सरसाइजेस है जो आप बच्चे को करवा सकते हैं। सी, ये फर्स्ट वाला जो टॉपिक है, नेमिंग वर्ड नाउन, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं। जब मैं पढ़ा रही थी तो मैं उसको, मेरे बेटे को समझा रही थी कि नाउन क्या होता है और इन सेंटेंसेस में नाउन्स किस तरह के नाउन्स है, वेदर इट इज़ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, उसको लिखना था, वेदर इट इज़ एन एनिमल और इट इज़ अ पर्सन और इट इज़ अ थिंग। तो इस तरह से आप मल्टी एक्टिविटी करवा सकते हैं, रीडिंग करवा सकते हैं और साथ ही आइडेंटिफाई करने के लिए कह सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इस बुक को यूज़ करेंगे। सी, यहाँ पर भी कॉमन नाउन के बाद प्रॉपर नाउन यानी स्पेशल नेम्स, देन जेंडर रिलेटेड टॉपिक मेल एंड फीमेल वाली, देन नेक्स्ट है सिंगुलर प्लूरल, ये कल हमने किया था, व्हेन टू ऐड एस, व्हेन टू ऐड ES, इन डिटेल में दिया गया है विद लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज हियर। तो लिखने की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। देन प्रोनाउंस, सी प्रोनाउन के लिए एक अच्छी सी एक्टिविटी यहाँ पे, आई लाइक इट वेरी मच। तो इस तरह से सेंटेंसेस दिए गए हैं, यू हैव टू फिल अप द ब्लैंक, रीड करना है, देन आइडेंटिफाई करना है कि विच प्रोनाउन इसमें जाएगा। इसी तरह से एक कॉम्प्रिहेंशन है, यहाँ पे रीड करना है और जो जो रेड वर्ड्स है उनको प्रोनाउन से रिप्लेस करना होगा। तो रीडिंग की प्रैक्टिस हो रही है और ग्रामर प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरह से इसमें हो जाएगी। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इस तरह से सारी इसमें इंक्लूडेड है। सी वर्ड पेयर्स, मैंने इंडेक्स में आपको बताया था ना कि क्या क्या टॉपिक्स है, दिस इज दैट इज, इस तरह से, देन प्रेपोजिशन ऑन इन अंडर ओवर। तो साल भर में क्योंकि प्रैक्टिस प्रॉपरली हुई नहीं है, इट्स पॉसिबल के वेकेशन में बच्चे भूल जाए। तो अगर आप चाहते हैं कुछ वर्कशीट रिलेटेड बुक तो दिस इज़ वर्थ फॉर ग्रामर क्लास 1। अगर क्लास 2 के बच्चे हैं तो सेकंड बुक लीजिए, क्लास 3 के बच्चे हैं तो थर्ड बुक लीजिए। इसमें सारी क्लासेस के लिए बुक्स अवेलेबल होती हैं प्राइमरी क्लासेस के लिए। दिस इज़ ट्यून इन टू ग्रामर फाइन ट्यून योर लैंग्वेज बाय पियर्सन। अमेज़ॉन पे ये मिलेगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लीज़ चेकआउट करिए। एंड दिस इज़ रियली वर्थ बाइंग क्योंकि आपका टाइम सेव होगा, आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सी, इस तरह से 2-3 किताबें आप ले लेना वो काफ़ी है। क्या करना होगा, दिन भर में जब भी आप उनको पढ़ने बिठा रहे हैं, जो भी आपने बुक ली है, किसी एक बुक से किसी एक टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए क्योंकि उनको, उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करिए और एक्सरसाइज फिनिश करने के लिए कहिए इंडिपेंडेंटली। तो इस तरह से आपका भी टाइम सेव होगा और डेली बेसिस पे आप उनको पढ़ा सकेंगे। यानी ये ऑलरेडी
बुक प्रेजेंट होगी आपके पास, तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा गूगल पे वगैरह, आपको बस रेडीमेड बुक है आपके पास, आप अच्छी तरह से उनको घर में पढ़ने बिठा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो अबाउट ग्रामर बुक। अगली वीडियो में मैं हिंदी या कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड बुक्स जो भी मैंने लिए वो आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोज़।